नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोविड 19 कोरोना महामारी जिसने चाइना से अपनी यात्रा शुरू की, इटली, अमेरिका और कई देशों से होते हुए भारत भी आ पहुंचा। पूरी दुनिया में एक ऐसे दौर को ले आया जो आज से 35-40 साल पहले का था, जब गाड़ियों के हॉर्न की पीप ऑन नहीं थी, कार तो सड़कों पर इक्का दुक्का होती थी, साइकिलों का सफर था तो प्रदूषण का नामो निशान नहीं था। खैर, कोरोना ने जो किया शायद अच्छा किया या फिर कहीं बुरा भी, जो भी हो लोग अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को जीना सीख लेते हैं, अपने आप को बचाना भी सीख लेते हैं। खैर, ये चर्चा पिछले एक महीने से चल रही है। अब जब घर पे बैठे रहते हैं तो बिल्कुल उसी दौर का आभास होता है जब लोग ज़्यादा साधन संपन्न नहीं थे, लोगों के खर्चे भी ज़्यादा नहीं थे, जीवन बिल्कुल सरल था। खैर छोड़िए, आज हम बात कुछ और करने वाले हैं, कोरोना लॉकडाउन की, जिस दौरान राहुल गांधी जी बड़े बड़े वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और बुद्धिजीवियों का आजकल इंटरव्यू ले रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी जी और अभिजीत बैनर्जी जी ने मोदी सरकार को कुछ सलाहें भी दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी जी से बात की, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी जी का IT सेल भी खूब मेहनत कर रहा है। सोशल मीडिया में राहुल गांधी जी की छवि चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। अब राहुल गांधी जी का वीडियो इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कोई पत्रकार समूह उनका इंटरव्यू ले रहा है। इससे पहले राहुल गांधी जी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से भी बात की थी। अब राहुल गांधी जी की बातचीत में बनर्जी ने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया कि भारत सरकार लोगों के हाथ में पैसा दे। बनर्जी का मानना है कि लोगों की खरीद क्षमता बनी रहनी चाहिए और उनका ये भरोसा बना रहना चाहिए, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तो उनके हाथ में खर्च करने के लिए पैसा होगा, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा दे। ये बात राहुल गांधी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनर्जी ने कही। बनर्जी ने कहा कि भारत को अमेरिका की तरह बड़ा प्रोत्साहन पैकेज देना चाहिए और देना होगा, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और बाजार में मांग बढ़ सके। खैर, राहुल गांधी जी ने भी कई बातें ऐसी बोली हैं जिसका असर होना तो चाहिए। अब ये तो आपको पता है कि कोरोना वायरस काल में राहुल गांधी जी की बातों का कितना असर है और कितनी अहमियत है। राहुल गांधी जी ने रघुराम राजन का जो इंटरव्यू लिया उसमें कई अहम सवाल भी उन्होंने पूछे। अब कोविड-19 के दौरान कई नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी ताकि वो लोगों के दिलों में घर कर जाए। खैर, नेताओं का काम यही होता है, उन्हें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि उनकी बातों का सीधा असर जनता पर पड़ता है। उन्होंने मोदी सरकार के कुछ कदमों की सराहना भी खूब की। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी का कहना था कि सरकार ने कर्ज के दौरान और कर्ज के भुगतान पर 3 महीने की रोक लगा करके अच्छा काम किया, लेकिन वे साथ ही कहा कि अगर बेहतर होता इस भुगतान को पूरी तरह से माफ़ करने और खुद का ऐलान करने में करते। अब इस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या न्याय और उसकी तर्ज पर लोगों को रकम दी जा सकती है, तो बनर्जी का जवाब था कि क्यों नहीं, अगर 60% आबादी के हाथों में कुछ पैसा देते तो इसमें कुछ गलत नहीं होता। अब उन्होंने कह भी दिया कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्याय का वादा किया था, जिसके तहत देश के करीबन 5 करोड़ परिवारों को सालाना 72,000 रुपये देने का वादा किया गया था। अब राहुल गांधी और अभिजीत बनर्जी की इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पे खूब हो रही है। इससे आंधी तो नहीं चली, लेकिन तूफान खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर किसने क्या लिखा, आइए वो भी चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, वो फेक न्यूज, फ्रस्ट्रेटेड और गलत विचारों की एक फ्रस्ट्रेटेड फैमिली बनती जा रही है और इससे पूरी बिरादरी तैयार हो रही है। इस संकट के समय में इस तरह की सियासी सनक उनका ही बंटाधार करेगी। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार सरसेद देसाई ने कहा, उन्होंने ये ट्वीट किया, पहले रघुराम राजन और अब अभिजीत बनर्जी, अब जब राहुल गांधी ही इंटरव्यू लेने वाले बन गए हैं तो हमें दूसरे करियर की ओर रुख करना होगा। अब न्यूज एंकर्स इधर राहुल गांधी इंटरव्यू देने वाले को बिना दखल के सुनते हैं। वहीं सानिया राठौर ने भी लिखा, मैंने ये चर्चा सुनी है और निजी तौर पर मेरा मानना है कि इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी शामिल किया जाना चाहिए, वो हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में सटीक जानकारी दे सकते हैं।
वहीं खुद को कांग्रेस की समर्थक बताने वाली नेहा चौहान लिखती है, यहां गौर करने व लायक एक बात है कि राहुल गांधी जी का सारा ध्यान गरीबों की तरफ है और अभिजीत बनर्जी जी हमें गरीबी की एक नई परिभाषा समझाने में मदद कर रहे हैं और इस महामारी की वजह से कितने ही लोग गरीबी की ओर ढकेल दिए गए हैं। अब भाई ये तो सीधा संकेत सरकार की ओर है। ट्विटर पर तो बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है, राहुल गांधी जी अर्थशास्त्री, रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी से संवाद करते हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जी अक्षय कुमार और सलमान खान से संवाद करते हैं। हालांकि राहुल गांधी से पत्रकारों ने एक सवाल पूछा था कि कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम नरेंद्र मोदी जी उनसे कहां कमी रह गई और कौन सी वो बड़ी गलती कर गए जिसका जवाब आप दे सके, तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, जिस दिन कोविड 19 को हिंदुस्तान ने हरा दिया उस दिन बताऊंगा कि कहां कमी रह गई। आज तो मैं सलाह देना चाहता हूं, तूतू मैं नहीं पढ़ना चाहता और मैं नरेंद्र मोदी की बातों से असहमत हूं, मगर हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और तभी भारत इसे आसानी से हरा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन एक पॉज बटन है ना कि इसका इलाज। आइए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी जी के कुछ खास वीडियो जो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री की कोट अनकोट स्ट्रांग लीडर की जो छवि है उसका संकट के इस समय कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है आपके जरिए? थैंक यू। देखिए फ्रेंकली अगर आप मुझे पूछें, देखिए प्राइम मिनिस्टर की स्टाइल है और वो उसकी जगह है, वो उनके उनका तरीका है, उनका स्टाइल है, मगर ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रांग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रांग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रांग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें, हर लेवल पे बीमारी के सामने एक स्ट्रांग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो किसान हो, मगर मैं उनकी स्टाइल है वो अलग है, वो ठीक है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये जो जोन्स बने हैं रेड ऑरेंज ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं, ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है, तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रही है, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया, वी सिंपली कैनॉट कंटिन्यू विदाउट प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द पीपल हु आर सफरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लॉकडाउन। And the thing that is most important to understand that the lockdown is not simply a switching on a key and getting rid of the lockdown. Lockdown requires number of things to happen. It requires a psychological change. Currently, the disease in India is seen as a very, very dangerous disease. And it is true. The disease is dangerous for certain groups of people. It is absolutely dangerous for older people. It is absolutely dangerous for people with diabetes, heart disease, hypertension, chronic infection, lung infection. But other than that, it is not a dangerous disease. So we are going to have to make a psychological change in the mind of our people. Currently, the people are very scared of the disease. The government, if it wants to open up, it has to turn this fear into a sense of confidence. Otherwise, you can open up and people won't go out. Finally, I'd like to say that the opening up is a transition. It's not an on-off switch, it is a transition. And you have to have a strategy for opening up. And this is what I said in my last press conference. And also, I mentioned to the Prime Minister in my letter that please, this is not an on-off switch. This is a massive transition that is required. It will require coordination between state government, central government, DM, everybody. And most important, the people of India. That is the challenge in front of the government now. And let me tell you, it's not
a trivial thing. It is a serious challenge, and I would request the government that they view state governments as partners. They view district magistrates as their partners, and that they do not centralize the decision making.